आज हम स्टार्ट करेंगे आगे कंटिन्यूटी वाला पार्ट। सुनिए सर, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस टू, मॉड एक्स माइनस थ्री। वो आपसे कह रहा है चेक करिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन टू एंड थ्री। मतलब मुझे ये चेक करना है कि ये मॉड फंक्शन एक्स इज इक्वल टू वन टू और थ्री पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब सर मॉड वाले फंक्शन को चेक करने का मेथड क्या होता है? जो भी फंक्शन मॉड के अंदर होते हैं, सुनना सर मेरी बात को पहले, जो भी फंक्शन मॉड के अंदर होते हैं उनको सबसे पहले जीरो के इक्वल टू रखते हैं। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वन, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू टू, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू थ्री। सर यहां से जो पॉइंट आते हैं उनमें जो सबसे मिनिमम वाला पॉइंट होता है, सबसे छोटा पॉइंट जो होता है, वहां से स्टार्ट करते हैं सर ब्रेक करना। अब एक बात सुनिए सर, अगर मैं आपसे कहता हूं एक्स की वैल्यू वन से लेस, चलिए सर वन से लेस, सर वन से लेस कोई नंबर सपोज कर लीजिए, वन से लेस मैंने नंबर सपोज कर लिया, जीरो ले लिया सर, चलो जीरो यहां रखा, माइनस मोड के अंदर का रिजल्ट अगर निगेटिव आता है तो बाहर माइनस लगा देना। अब यहां रखो जीरो, तो अंदर का रिजल्ट क्या है? माइनस टू। अगर मोड के अंदर का रिजल्ट माइनस में है तो बाहर माइनस लगा देना। मोड को ब्रेक करने का सबसे अच्छा मेथड है, इसको सिंप्लीफाई किया, एफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री एक्स। इसके बाद जो अगला इंटरवल होगा वो होगा एक्स की वैल्यू वन से बड़ी और टू से छोटी, और बड़े के साथ हमेशा इक्वल टू का साइन लगाते हैं सर, बड़े के साथ हमेशा इक्वल टू का साइन लगाते हैं। चलिए सर इसके बीच में कोई नंबर ले लो, वन और टू के बीच में मैंने नंबर ले लिया 1.5। सर 1.5 को यहां रखा, 1.5 माइनस वन पॉजिटिव, 1.5 माइनस टू नेगेटिव, तो बाहर माइनस लगा दीजिए, 1.5 माइनस थ्री नेगेटिव, बाहर माइनस लगा दीजिए। इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स। सर अगला इंटरवल होगा टू से बड़ा और थ्री से छोटा, और बड़े के साथ हमेशा इक्वल टू का साइन लगाते हैं सर, बड़े के साथ हमेशा इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अब एक बात सुनिए सर, सर मैंने टू और थ्री के बीच में कोई नंबर सपोज करा 2.5, 2.5 को यहां रखो सर, 2.5 माइनस वन पॉजिटिव, 2.5 माइनस टू पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है तो सेम लिखते हैं, 2.5 माइनस थ्री, अंदर रिजल्ट निगेटिव आ रहा है तो बाहर माइनस का साइन। सर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इसका मतलब ये आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स। इसके बाद जो अगला इंटरवल होगा वो थ्री से बड़ा, क्योंकि उसके बाद कोई पॉइंट नहीं दे रखा है सर, थ्री से बड़ा कोई भी नंबर सपोज करो, थ्री से बड़ा कोई भी नंबर सपोज करो, ये बात तो क्लियर है कि सबके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, और अगर सबके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो सर सेम कंडीशन में लिखते हैं फिर एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सिक्स। मोड को ब्रेक करने का मेथड है सर ये, मोड को ब्रेक करने का मेथड है कि जो भी फंक्शन मोड के अंदर होते हैं उनको सबसे पहले जीरो के इक्वल टू रखते हैं, वहां से पॉइंट निकालते हैं, जो पॉइंट सबसे छोटा पॉइंट होता है वहां से स्टार्ट करते हैं ब्रेक करना। आप पहले से नोट करिए फिर आगे चलते हैं। अब सर इसके बाद इन सारे फंक्शन को एक साथ लिख लेते हैं। सर जो जो फंक्शन मैंने बनाए थे उनको सबको एक साथ लिख लेते हैं, सिक्स माइनस थ्री एक्स जब एक्स की वैल्यू वन से लेस होती है, वन से बड़ी टू से छोटी फोर माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू टू से बड़ी थ्री से छोटी एक्स, एक्स की वैल्यू थ्री से बड़ी 3x-6। अब सर इसको चेक करने का मेथड क्या होता है? मेथड होता है कि जो पॉइंट इक्वल टू की कंडीशन में होते हैं उन्हीं पॉइंटों पर चेक करते हैं। सर सबसे पहले मैंने एट x इज इक्वल टू 1 को चेक किया, चलिए सर 1 को चेक करते हैं। सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकालते हैं, कहां पर इक्वल टू, यहां पर इक्वल टू 4-1 3।
उसके बाद LHL निकालते हैं, सर्वर माइनस जीरो, लिमिट एच टेंड टू जीरो, वन माइनस एच का मीन्स हो गया वन से कम, सर वन से कम, x की वैल्यू वन से कम, फोर माइनस, सर मैंने इसमें h को जीरो रखा, थ्री। इसके बाद RHL निकालते हैं, क्या लिखेंगे, वन प्लस जीरो, लिमिट एच टेंड टू जीरो, वन प्लस एच, सर वन प्लस एच का मीन्स हो गया वन से बड़ा, वन से बड़ा, एक्स की वैल्यू वन से बड़ी, वन से लेस, सिक्स माइनस, थ्री माइनस, वन माइनस एच, एच को जीरो रखो, वन प्लस एच का मीन्स हो गया वन से बड़ा मीन्स फोर माइनस वन माइनस वन प्लस एच, सर मैंने एच को जीरो रखा, सर तीनों के रिजल्ट सेम, अगर तीनों के रिजल्ट सेम है इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन, नोट करिए पहले वन पर, इसके बाद एट x इज इक्वल टू टू पे चेक करेंगे, सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकालते हैं f2 कहां पर है इक्वल टू, यहां पर इक्वल टू टू, इसके बाद टू माइनस जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट, टू माइनस एच, टू माइनस एच का मतलब टू से कम, x की वैल्यू टू से कम, फोर माइनस x, यही तो लाइक करेगा सर, इसमें h को जीरो रखा, इसके बाद राइट हैंड लिमिट टू प्लस जीरो, टू प्लस एच, टू प्लस एच का मीन्स टू से बड़ा, टू से बड़ा सर एक्स है, इसका मतलब टू प्लस एच, एच को जीरो रखो सर, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू टू, इसके बाद सर एक्स इज इक्वल टू थ्री पर चेक करेंगे, सर ये सर थ्री, पहले फंक्शन वैल्यू कहां पर इक्वल टू, यहां पर इक्वल टू है, थ्री पुट कर दीजिए, नाइन माइनस सिक्स थ्री आ गए, इसके बाद थ्री माइनस जीरो, थ्री माइनस एच, थ्री माइनस एच का मीन्स थ्री से कम, एक्स की वैल्यू थ्री से कम, एच को जीरो रखिए, थ्री प्लस जीरो थ्री से बड़ा, थ्री प्लस एच थ्री से बड़ा, थ्री से बड़ा, एक्स की वैल्यू थ्री से बड़ी, एच को जीरो रखा सर, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू वन पे भी कंटिन्यूअस है, टू पे भी कंटिन्यूअस है और थ्री पे भी कंटिन्यूअस है सर, ध्यान रखना, कैसे ब्रेक करते हैं वो भी मैंने आपको समझाया सर, पहले इसे नोट करिए फिर आगे और डिस्कस करते हैं, सर एक बार क्वेश्चन इस तरह से था, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, और वो आपसे कह रहा है कि चेक करिए कंटिन्यूटी है या नहीं है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अब सर मुझे इसे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो सर पहले तो इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने का मेथड मैंने आपको बताया था, जो भी फंक्शन मॉड के अंदर होते हैं उनको जीरो के इक्वल टू रखते हैं, चलिए सर x की वैल्यू आ गई माइनस वन, अब इनमें जो सबसे छोटा पॉइंट है, सबसे छोटा पॉइंट है माइनस वन, चलिए सर x की वैल्यू लेस देन माइनस वन, सर माइनस वन से लेस मैंने माइनस टू ले लिया सर, चलिए माइनस टू यहां रखो, मॉड के अंदर माइनस, बाहर माइनस लगा दीजिए, सर माइनस टू प्लस वन, अंदर फिर माइनस आएगा, फिर माइनस लगा दीजिए, ये हो गया सर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वन, सर इससे अगला जो इंटरवल होगा वो होगा एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी और जीरो से छोटी, क्योंकि अगला पॉइंट जीरो है, सर माइनस वन से जीरो के बीच में माइनस
माइनस के 0.5 ले लिया, माइनस के 0.5 नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सर ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू वन। अब सर एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी, क्योंकि उसके बाद तो कोपेंट है नहीं। सर जीरो से बड़ी कोई भी नंबर ले लीजिए, वन ले लिया सर, पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो मैंने आपको बताया था सेम लिखते हैं सर। पहला आप इसे नोट करिए, अब सर जब ये ब्रेक हो जाए तो मैंने आपको बताया था इन सबको एक साथ लिख दीजिए। टू एक्स प्लस वन सर, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। चेक करते हैं पहले माइनस वन पे, सबसे पहले फंक्शन वैल्यू सर, फंक्शन वैल्यू यहां पर है, इसके बाद वन माइनस जीरो, लिमिट एच टेंड टू जीरो, वन माइनस माइनस वन माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो, माइनस वन माइनस एच, माइनस वन से कम। सर मैंने एच को जीरो रखा, इसके बाद माइनस वन प्लस जीरो, लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मीन्स माइनस वन प्लस एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो, माइनस वन प्लस एच, माइनस वन से बड़ा कितना है सर, वन। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। नोट करिए आप पहले से, अब सर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर चेक करना, क्योंकि जहां पर इक्वल टू की कंडीशन होती है वहीं पर चेक करते हैं। सबसे पहले एफ जीरो को जीरो रखा सर, वन, फिर जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से कम, वन, फिर जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस एच, जीरो से बड़ा, एच को जीरो रखा। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो। और सुनिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफ एक्स ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए का रिजल्ट क्या होगा। अब एक बात सुनिए सर, सबसे पहले फंक्शन वैल्यू एफ जीरो, जीरो यहां रखा, ए साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन। इसके बाद सर वन जीरो माइनस जीरो, वो भी इसमें लाई करेगा, कोई फायदा नहीं होगा मुझे, क्योंकि ये बात तो मुझे पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मुझे ये नहीं चेक करना कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, कंटिन्यूअस तो है। मैंने सर इसके बाद जीरो प्लस जीरो निकाला, लिमिट एच टेंड टू जीरो, जीरो प्लस एच,
सनलिमिट एस टेंड टू जीरो, जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से बड़ा, ये फंक्शन लाई करेगा। सर एक बात तो मेरे को समझ में आती है, मैंने जब इसमें h को जीरो रखा तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म आई, और अगर लिमिट में डायरेक्ट जीरो पुट करने, मतलब डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर अगर जीरो बाई जीरो आता है तो इसका मतलब इस लिमिट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया सर, टेन टू एच को ब्रेक किया, साइन टू एच अपॉन कॉस टू एच माइनस साइन टू एच अपॉन में एच क्यूब। सर मैंने साइन टू एच बाहर कॉमन लिया, ये आगे सर वन अपॉन कॉस टू एच माइनस वन अपॉन में एच क्यूब। सर लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन टू एच, ये हो गया सर वन माइनस कॉस टू एच अपॉन में कॉस टू एच अपॉन में एच क्यूब। लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन अपॉन कॉस टेन टू एच, सर वन माइनस कॉस टू एच टू साइन स्क्वायर एच 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 स्क्वायर, सर ये वैल्यू वन। सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया सर, इसमें टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, ये वैल्यू वन, यहां पर टू, ये टू फोर। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी ए की वैल्यू कितनी सर, फोर। नोट करिए आप इसको, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है, क्या दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। कह रहा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए बी और सी की। चलिए सर सबसे पहले मैंने आपको बताया था फंक्शन वैल्यू निकालते हैं, एफ जीरो ये रहा जीरो, फिर जीरो माइनस जीरो लिमिट एच टेंड टू जीरो जीरो माइनस एच। सर जीरो माइनस एच का मींस क्या हो गया, जीरो माइनस एच का मींस हो गया जीरो से कम। चलिए सर एक्स की वैल्यू जीरो से कम, साइन ए प्लस वन एक्स की जगह माइनस एच प्लस साइन माइनस एच अपॉन में माइनस एच। सर माइनस का साइन तो बाहर आ जाता है,
माइनस कॉमन लेके कैंसिल, मैंने सर इसको ब्रेक भी कर दिया, यहां पर ए प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, इस एच को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये वैल्यू वन, ये वैल्यू वन, इसका मीन्स हो गया ए प्लस टू। इसके बाद जीरो प्लस जीरो, सर लिमिट एच टेंड टू जीरो, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच का मीन्स जीरो से बड़ा, चलिए सर जीरो से बड़ा, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी, तो जहां पर भी x है वहां पर h लिख दिया सर, सर h को जीरो रखा, जीरो बाई जीरो। सर ये चीज हमने इलेवेंथ में पढ़ी थी कि अगर लिमिट का क्वेश्चन रूट की फॉर्म में होता है और उसको सिंप्लीफाई करना हो, उसको कभी भी सिंप्लीफाई करना हो, तो सर उसको सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा मेथड होता है उसको रेशनलाइज करिए। मैंने सर इसको रेशनलाइज किया, सर एक बात सोचिए आप, ये प्लस ये माइनस, तो इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, माइनस एच, सर एच से एच कैंसिल, बी एच स्क्वायर, इसमें से एच को बाहर कॉमन, तो रूट एच बाहर कॉमन आएगा, नोट कर लीजिए सर पहले यहां तक, सर मैंने इसको आगे सिंप्लीफाई किया, इसमें से रूट एच बाहर कॉमन, ये कैंसिल, एच को जीरो रख, वन बाई टू, वो कह रहा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब सबकी वैल्यू, इसका मतलब सी का सॉल्यूशन वन बाई टू, इसका मतलब ए प्लस टू इज इक्वल टू वन बाई टू, तो ए इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू। सर बी तो कैलकुलेशन में कर गया ना, इसका मतलब बी जो होगा वो बिलोंग्स टू आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर एक बात और भी क्लियर है सर, बी है नीचे कभी जीरो नहीं होगा, अगर जीरो रख दिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब ऑल रियल नंबर कुछ भी हो सकता है पर जीरो नहीं होगा, नॉट क्लियर।